मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह सुरक्षित होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रोनाउन का सातवां पार्ट, जिसका नाम है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि जिन वाक्यों में हम जिस प्रोनाउन का शब्द प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उन्हें हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। कैसे हैं? जैसे हु आर यू, आप कौन है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। और इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, जो सेंटेंस है, उनके पीछे हमेशा क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया जाता है। ठीक है, तो ये निशान आपको यहाँ पर हर वाक्य के अंदर दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पर जो ये शब्द है हु, ये क्या है, ये अपना इंटरोगेटिव प्रोनाउन का काम यहाँ पर करता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि आप कौन है। ठीक है, तो ये वाक्य के शुरू में ही आते हैं। जैसे यहाँ पर है व्हाट इज योर नेम, ठीक है, अंत में क्या लगाया है, क्वेश्चन मार्क हमने लगाया है और शुरू में व्हाट। ठीक है, तो ये क्या है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। हु कम्स हियर डेली, यहाँ पर डेली यानी कि प्रतिदिन कौन आता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो हु इसके अंदर क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ऐसा ही यहाँ पर व्हिच इज योर कार, आपकी कार कौन सी है, प्रश्न पूछा गया है। तो शब्द यहाँ पर यूज हुआ है व्हिच। ठीक है, यहाँ पर है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर जो वेयर शब्द है वो हमारा इंटरोगेटिव है। और व्हाई आर यू सैड, आप उदास क्यों है, तो इसमें क्या है हमारा व्हाई जो शब्द है वो इंटरोगेटिव है, प्रोनाउन है। व्हेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हैं, तो यहाँ पर व्हेन जो शब्द है वो हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। और यहाँ हाउ आर यू, आप कैसे हैं, और अंत में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार हम देखते हैं हु, व्हाट, हु, व्हिच, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये जो शब्द है इनसे हमें पता चलता है कि इस प्रकार के जो वाक्यों में इंटरोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद हम करते हैं अपना अगला टॉपिक। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम जल्द ही मिलते हैं आपको। तब तक के लिए बाय बाय।